हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर की। मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज करूंगी उन सभी की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल भी फ्री है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक, नहीं तो यार क्या कर रहे हो, कम से कम रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब के बाद एक घंटी आएगी उसको भी टिंग 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 कर देना है। नहीं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए हो, तो मैं वीडियो डालूंगी लेकिन आप तक नहीं जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई फायदा तो आपको होगा नहीं। तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो या आज मैं आ गई आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने। और क्या बोलने वाली थी, हाँ यार, आप लोगों की कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, लेकिन गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होइएगा कि दी आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे हो। यार इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, इतना सारा DM आता है, तो सबका एक ही दिन में तो मैं सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ ना, तो थोड़ा सा सब्र रख लिया कीजिए आप लोग। मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करती हूँ सभी रिक्वेस्टेड ही करती हूँ, मैं अपने मन से कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मैं वही वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग पसंद भी करते हो। मैं अपना दिमाग क्यों चलाऊँ जब आप लोग खुद ही टॉपिक दे देते हो कि दी आप इस टॉपिक पे बनाइए, जो आप लोग सजेस्ट करते हो मैं वही वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत कर ली बक, अब चलो काम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई यार, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कई लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता चलो मैं बता देती हूँ कि अभी पर्पल पे चल रही है सेल। तो स्किन केयर पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे आपको, जैसे प्लम, बायोटिक, इस ब्रांड पे आपको 30-50% ऑफ मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, लिंक के थ्रू जाके जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए। जो प्रोडक्ट आपके पास ना हो फटाफट से ले लीजिए, इससे पहले कि वो सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया है, इसलिए आपको मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा डल अजीब सा लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी दिख रहा होगा। मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि एक ही मेरा लिप बाम फेवरेट है, वो है पल्लाडियो का। इसमें काफ़ी सारे शेड रेंज हैं, तो इस टाइम मैंने पिंक लगाया हुआ है। इस लिप बाम की एक ही खासियत है कि ये आपके लिप काफ़ी अच्छी तरह से हाइड्रेट रखता है और थोड़ा सा कलर भी दे देता है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ फेस वॉश से। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना बाल बना लिया था। आप लोगों के सामने ऐसे चुड़ैल बन के तो नहीं आ सकती थी ना, इसलिए थोड़ा सा बाल बना के आ गई। हाँ, बाल से ज़्यादा आप लोगों को मेरी हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आप लोग देखना चाहते हो मेरी हेयर स्टाइल की वीडियो, अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। मुझे जितना कमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तभी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश, और ये फेस वॉश आप लोगों ने ही मुझे रिकमेंड किया। इस फेस वॉश को मैं 15-20 डेज से यूज़ कर रही हूँ, ये है वयम का। आप लोगों ने ही रिकमेंड किया था कि दी एक बार आप बताइए कैसा है ये फेस वॉश। तो गाइज, ये फेस वॉश है वयम आयुर्वेदा का और 100% नेचुरल है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 300 का है, बट बिलीव मी गाइज, फुल पैसा वसूल फेस वॉश है, तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, माइंड ब्लोइंग है। तो थोड़ा सा तो सबसे पहले तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। चल बेटा काम पे लग जा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, अपने फेस को वेट कर लिया। फेस वॉश करना तो आप लोगों को आता ही है, बचपन से करते आ रहे हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेस, तो आप देख सकते हो फेस वॉश कुछ इस तरीके से है, काफ़ी वाटरी फेस वॉश है। तो बस ऐसे ही इसे लगा लेना है। वाह, और इसमें जो जैस्मिन और रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही है ना, वाह यार, मैं बता नहीं सकती कितना माइंड फ्रेश कर देता है ये फ्रेगनेंस। तो गाइज ये देखिए कितना डीपली इसने मेरे फेस को क्लीन कर दिया है। इस फेस वॉश का रिजल्ट ऑसम है। सेकेंड स्टेप, वीक में दो बार आपको स्क्रब यूज ही करना है। तो मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि 6-7 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी स्किन की केयर कर पाऊँ।
सच में यार बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि डेढ़ महीने पहले मुझे मेरे पीआर पैकेज में रिसीव हुए थे बॉडी क्यूपिड के दो स्क्रब, एक था चॉकलेट वाला और एक था 24 कैरेट गोल्ड वाला। तो जो चॉकलेट वाला है उसे मैं अपनी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ और जो 24 के कैरेट गोल्ड है इसे मैं अपनी फेस के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। सबसे खासियत इसकी ये है कि ये पैराबिन एंड सल्फर फ्री है और इसमें बोटानिकल ऑयल है जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं करती हूँ। स्पॉन्सर्ड वीडियोस में आप पैसे ले लेते हो तो आप सच्चाई नहीं बता सकते हो, इसीलिए मैं सिर्फ प्रोडक्ट बोलती हूँ कि आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो, अगर पसंद आएगा तभी मैं रिव्यू करूँगी। डेढ़ महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ ये अच्छा है कि नहीं है। तो गाइज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके थ्रू जाके इसे ले सकते हैं। इसमें एक्चुअल में गोल्ड है, ऐसा सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसमें सच में गोल्ड है। तो ये देखिए, तो गाइज इसमें सच में गोल्ड है, तो ये मुझे हद से ज़्यादा पसंद आया। इसे मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ लेकिन 6-7 दिन से इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी नहीं यूज़ कर पा रही थी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे फेस को वेट कर लेना है, मतलब गीला कर लेना है, इसे लेके फेस लेकर अप्लाई कर लेना है। मैं वहाँ ज़्यादा फोकस करूँगी जहाँ पर मुझे ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी स्किन की केयर अच्छे से करोगे, वीक में दो बार स्क्रब यूज़ करोगे तो आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो रहेगा, आपको ब्लैक हेड वाइट हेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गाइस तो स्क्रब यूज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा स्क्रब नहीं जिसमें भर भर के मिनरल ऑयल, पैराबीन या फिर सल्फेट हो, ऐसा स्क्रब बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, उससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। मिनरल ऑयल यूज़ करने से आपको पता है कि कैंसर भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रख के ही यूज़ करें जब भी कोई स्क्रब यूज़ कर रहे हो। तो जब मुझे लगे कि मेरा फेस थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा आपको रोज़ वाटर या फिर वाटर ऐड कर लेना है, कम से कम 3-4 मिनट तक आपको मसाज करना है। इस स्क्रब की काफी खासियत, तो चलो इस स्क्रब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी पैकेजिंग वगैरह। तो गाइज ये है बॉडी क्यूपिड का 24 कैरेट गोल्ड स्क्रब, इसे आप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, स्किन ग्लो इन्हेंसर है ये। इसमें आपको गोल्ड, मिका, कोको बटर और वर्नट सेल पाउडर मिल जाएगा जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है और हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पैराबीन फ्री, सल्फेट फ्री विथ प्रीमियम बोटानिकल ऑयल, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस स्क्रब की प्राइस है 495 रुपीज़। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अभी डिस्काउंट चल रहा है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफ़ी रॉयल, काफ़ी क्लासी पैकेजिंग लगती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको इतना प्रोडक्ट मिल जा रहा है, 1-1.5 साल तो आसानी से चल जाएगा। तो इसे तो मैं 100 times रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। तो अगर आपका मन कर रहा है ना, तो अभी लिंक में क्या बोल रही हूँ, अगर आपका मन कर रहा है ना लेने का, तो यार सोच क्या रहे हो, कहीं मन बदल जाए, देर हो जाए, सोल्ड आउट हो जाए, कुछ टाइम बाद वैसे ही सोल्ड आउट हो जाना है, तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मिस्ट, मैं ही नहीं आप लोग भी टोनर या मिस्ट तो यूज़ करते ही होंगे ना। आई नो कोई भी रोज़ वाटर या फिर मिस्ट स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि आप जितनी ही बार अपने फेस पे मिस्ट या फिर रोज़ वाटर स्प्रे करते हो उतना ही ज़्यादा चांस रहता है आपके फेस पे ग्लो आने का, तो ये चांस तो कोई मिस नहीं कर सकता क्योंकि सबको ग्लो चाहिए होता है। कहीं आप मिस कर रहे हो क्या, कर रहे हो, तो आज से क्या करना है आपको, जितनी बार कम से कम दिन में 10 से 12 बार रोज़ वाटर आपको स्प्रे करना है। अरे यार रोज़ वाटर उतना महंगा नहीं आता है, मैं मान लो मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है। रोज़ वाटर 10 से 12 बार आपको दिन में स्प्रे करना है। अगर आप मेरी ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, तो आपके फेस पे एक अच्छा सा हेल्दी ग्लो तो आएगा ही, साथ में आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। जो कोरियन गर्ल्स होती हैं ना, वो लोग कभी भी रोज़ वाटर स्किप नहीं करती हैं, तो आपको भी स्किप नहीं करना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है इनस्प्री का एलो रिवाइटल स्किन मिस्ट, काफ़ी अच्छा है, देखते हो आप इतना ख़त्म हो गया है। एक और था मैं यूज़ करती थी वो भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसे मंगा लेती हूँ, थोड़ा सा उससे सस्ता था।
बातें बहुत कर ली, अब फटाक से लगा लेते हैं। आप चाहे तो कॉटन पैड की हेल्प से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर आपको अपने हाथों से फैन चला लेना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए आप, अब्सॉर्ब हो गई है आपकी स्किन में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सीरम का। सही पकड़े हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेशियल ऑयल सीरम का। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम से यूज करूँ प्लंज का फेशियल ऑयल सीरम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बचा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, एक मिनट हाँ, ये देखिए इतू सा रह गया है, मतलब एक खर्चा। और मैं फेशियल ऑयल हद से ज़्यादा यूज़ करती हूँ यार। इस विंटर में मैंने पता नहीं कितनी बॉटल फेशियल ऑयल की यूज़ कर डाली। ये भी ख़त्म हो गया, फिर से लेना एक खर्चा आ गया, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो मुझे फेशियल ऑयल की ज़रूरत होती है ताकि मेरा फेस शाइनी रहे, ग्लोई रहे। अब मैं ऐसे ही नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट दूंगी। डेली स्किन केयर रूटीन है तो सनस्क्रीन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं सनस्क्रीन के लिए यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स की सनस्क्रीन, जो कि 100% नेचुरल है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसकी, लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ये आपके फेस को ड्राई कर देती थी, लेकिन सनस्क्रीन में क्या करती हूँ, थोड़ी सी सनस्क्रीन लेती हूँ, आपने देखा ही, इसमें ऐड कर लेती हूँ फेशियल ऑयल सीरम की 3-4 बूंद। तो 1, 2, 3, 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक, मिक्स कर लेना है। यू डोंट वरी कि आपका पूरा, इसके बाद आपको लगा लेना है। ये देखिए, देख रहे हैं आप ग्लो। वैसे लगा के कोई चीज लो तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ भी लग गया, इसीलिए मैं हाथ से नहीं लगाती। ये देखिए, ओह माय गॉड, मेरी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई लग रही है। बस लास्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, लिप स्क्रब डेली यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर है, मुझे इतना सारा मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना होता है, लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी पड़ती है। तो स्क्रब मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का, थोड़ा सा लेके ये स्क्रब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे लगाने से आपका लिप भी पिंक हो जाता है यार, सच में। मैं इसे रखी थी, भूल गई, तो इसे इसलिए लास्ट में देख रही हूँ, लास्ट में लगा रही हूँ, नहीं तो मैं जब फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ तभी लिप स्क्रब भी यूज़ कर लेती हूँ। चाहे आप बुलेट लिपस्टिक लगाओ या फिर लिक्विड लिपस्टिक लगाओ, आपका लिप ड्राई नहीं होने वाला, ड्राई पैसेज आपके लिप पे बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो लिप स्क्रब यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूला करें विंटर में। इसके बाद समर में आप अगर 2-3 दिन स्किप भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, उतना हमारा इस समर में उतना लिप ड्राई नहीं होता है जितना विंटर में होता है। तो अब मैं यहाँ पर लिप बाम लगा ले रही हूँ पल्लाडियो का। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन। मैं इतना ज़्यादा बकबक कर रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा स्टेप दी फॉलो करती हैं। स्टेप ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 स्टेप रहा होगा, लेकिन बातें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। इसलिए आपको लग सकता है कि दी क्या क्या अपने फेस पे पोतती रहती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं यार, इतना स्किन केयर में ज़रूरी होता है, आप लोगों को भी इतना फॉलो करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो मेक श्योर इसे लाइक करके जाना, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।